हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश साली में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो गाइज आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, आई थिंक 9 बज रहे होंगे और मेरे हस्बैंड जो है बेड क्लीन कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में डस्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है, रोड पे घर है इसी वजह से। तो घर में सब लोग बीमार है इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना गंदगी से रहोगे उतना ही बीमारी और बढ़ते रहेगा। मेरी तो कुछ भी करने की कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी घर के काम करने हैं क्योंकि बिकॉज़ कोई है नहीं। तो यहाँ पे मैं हर दिन चादर वगैरह क्लीन कर रही हूँ, हर दिन चादर धो रही हूँ ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले ना, क्योंकि इस समय वायरल का टाइम चल रहा है, सबको वायरल हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो निशु की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो हस्बैंड अब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं निशु को बोल रही हूँ यहाँ पे पैर पोंछ के ना आराम करो बेड पे। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी वीक महसूस कर रहा है और उसके हाथ पैरों में भी जान नहीं बची है बुखार की वजह से। तो हम बड़ों को बुखार तोड़ दे रहा है, ये तो फ़िलहाल बच्चे हैं। तो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा गाइस, बहुत संभल के चलने की जो है ये टाइम है। ऐसे सिचुएशन में इंसान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। इस समय डॉक्टरों के हाथों रेल लगी है दवाइयों की, तो ऐसा कुछ कंडीशन है। तो मैं हस्बैंड को ये बोल रही हूँ कि घर में साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से मेरी हालत भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं सब चीज़ मैनेज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे हम जो है निशवान को उसकी खांसी की दवाई दे रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, हालांकि उनकी भी हालत ठीक नहीं है, ऑफिस जाने के कंडीशन में नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे वो। उनका बुखार उतर चुका है पूरी तरीके से क्योंकि वो हम सबसे पहले बीमार हुए थे। संडे को हमारे घर में फंक्शन था और मंडे को मेरे हस्बैंड को बुखार चढ़ गया था और मुझे जो है 2 दिन पहले बुखार चढ़ा था और उससे पहले निशवान को बुखार चढ़ गया था। तो ऐसी कुछ कंडीशन है सबकी हालत। तो हम ही तीनों को मैनेज करके चलना है जैसे तैसे, और एक एक करके बीमार होता तो थोड़ा सा बेटर होता, एक कोई एक घर को संभाल लेता, लेकिन जब तीनों एक साथ बीमार हो गए तो घर को संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो चलो अब मैं आप लोगों से फ्रंट से मिलती हूँ सामने। एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। आज मैं 3-4 दिन के बाद जो है आप लोगों से अपडेट हो रही हूँ और शायद अभी भी ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, बट आप लोगों को अपडेट देने के लिए छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, निशवान की भी है और इसके पापा की भी तबीयत ख़राब है, तीनों पड़े हुए हैं। और आप मेरे ओठ को देख के देख सकते हैं मेरे ओठों की क्या कंडीशन है, पूरा सूख रहा है। सब कुछ लगा के देख लिया लेकिन ऐसे ही पापड़ी बन बन के निकल रही है और यहाँ से तो बिल्कुल भी मुँह नहीं खुल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुखार की वजह से। और बहुत ही गंदा वायरल फैला हुआ है, बहुत गंदा, ये जो लास्ट बारिश हुई है ना उसकी वजह से बहुत गंदा वायरल फैला हुआ है और बिल्कुल भी उठ कुछ भी करने की कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। और अभी भी घर में आज बहुत काम है, तो सबसे पहले इन्होंने ना बेड की क्लीनिंग कर दिया है और मैंने चादर बिछा दिया है। तो अब मैंने अभी दवाइयाँ लिया है, दवाई लेने के बाद जो है थोड़ा सा अगर भी आराम मिलता है ना तो उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगा पाऊँगी। अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या है, अच्छा, और ये रहा निशवान, इसको भी बुखार है, ऐसे नहीं करते बेटा, इसको भी बुखार है। छोड़ो बेटा, पापा का फोन चार्ज में लगा, उधर चलो लेट जाओ, आराम से लेट जाओ बेटा, आप थोड़ा सा दूर रहो, आपको बुखार है ना, थोड़ा सा दूर रहो, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी मैंने पूरे घर में पोछा मारा है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी जर्म्स जो है घर में रहे। और 2 दिन पहले बीमार होने से पहले मैंने पोछा मारा था और इसके बाद जब मुझे बुखार चढ़ा तो उसके बाद मैं घर में पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही थी, लेकिन हाँ क्लीनिंग मैं डेली कर रही थी
और बीमार होने के बाद जब घर ज़्यादा फैला रहता है ना, तब ज़्यादा और बीमारी बीमारी जैसा फील होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है सूखा भी नहीं है, और यहाँ पे कपड़े रखे हुए कुर्सी पे धुल के रखे हैं, सूख गए हैं, इनको फोल्ड करके रखना है। तो इस तरीके से ऐसी हालत में भी मैं सारी चीज़ों को कर रही हूँ, और आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी कंडीशन क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी पानी, अभी पोछा जो मैंने मारा ना, सूखा भी नहीं है, और कल जो है यहाँ पे दूध गिर गया था, तो जिसकी वजह से पूरा घर चिप चिप कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि घर गंदा रहता तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी बुखार उतर रहा है, आराम मिल रहा है, मैं जैसे तैसे घर को मैनेज कर रही हूँ। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये सभी चीज़ों को मैनेज कर पाना, और अब सबको पता है, मुझे भी पता है कि कोई नहीं है करने के लिए। तो इधर भी मैंने पोछा मार दिया, किचन में भी पोछा मार दिया है, और अब मैं जाऊंगी फटाफट बर्तन धो के रखूंगी। तो ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में भी मैं अपने घर को कैसे संभाल रही हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता पा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कपड़े हैं, सूख गए हैं, और इनको मुझे रखना है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में फ्रंट कैमरे से। मुश्किल से मैं पोछा लगा पा रही हूँ, मेरी ओट देख रहे हैं कैसे सूख रहा है, मेरी बहुत गंदी वाली कंडीशन है इस समय। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी अभी हालत कैसी है, वैसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को छोटा सा अपडेट दे रही हूँ, वीडियो बना के जैसे तैसे कर पा रही हूँ। कल यहाँ पे थोड़ा सा दूर होगा, मैंने पोछा मारा हुआ था, पूरा घर साफ था, लेकिन एक दूध गिरने की वजह से पूरे घर की हालत ख़राब हो गई। ठीक है, जहाँ पे भी पैर रखो ना, पैर में दूध जो है ना चिप चिप कर रहा है, पूरे घर में वो फैल रहा है। इस वजह से मुझे जो है पोछा मारना पड़ा पूरे घर में। निशु टाइम बताइए, टाइम ऐसी मेरी हालत हो रखी है, बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है, और ऐसे कंडीशन में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है, काम करने की हिम्मत नहीं, जैसे तैसे मैंने दलिया बनाया हुआ है और सबकी दवाइयाँ चल रही। मेरे ओठ जो है ना सूख के बहुत बुरी कंडीशन है, और अब आ रही है मेरे को बहुत भयंकर वाली गस्ती और चक्कर आ रहे हैं। तो अब मैं जो है सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही उठूँगी, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, देखती हूँ। एक तो घर, जब आदमी बीमारी का घर हो ना, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घुले हुए चद्दर बिछा दिए हैं और पुराना चद्दर हटा दिया है, ताकि जो चद्दर हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन मैं चेंज करूँ, क्योंकि सब लोग बीमार हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा दवाई खा के रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, और इस वीडियोज़ का एंड भी कर दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी, बस छोटा सा अपडेट ही दे रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं बहुत मुश्किल से, और किचन का सारा अभी चौका बेलन भिंगा के रखा है, रोटी का डूंगा, और अब मैं जा रही हूँ जूस पीने। इतने सारे बर्तन धो दिए मैंने, और अभी मैंने दाल चढ़ाया है, और तो कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर रही, अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कल जो है निशु ने रोटी तक नहीं खाई थी, कल मैं उसको एक रोटी भी नहीं दे पाई। तो चलो मैं थोड़ा सा रियल का जूस पीऊँगी, और किचन सब क्लीन कर दिया है, जैसे तैसे दाल बना पाई हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ बेटा, तो अभी मैंने ले लिया गुआवा का जूस, और जैसे तैसे घर के सारे काम फिनिश कर दिए। आ बेटा, अभी कपड़े भी धोने हैं, लेकिन आज नहीं धोऊंगी, चलो जूस पी कर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने दाल बनाई है ना, दाल में तड़का लगा दूँगी, तो जब तक तेल गरम होगा ना, मैं सीसी में अपने कंटेनर में ऑयल के तेल जो है भर के रख दूँगी, और जो बचेगा उसको मैं पिन करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है, और अब प्याज डालूँगी। जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो उसमें टमाटर डाल दूँगी। तो ये वाली दाल तड़का जो है हम लोगों को बहुत पसंद है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, और अभी भी रोटी मैं बनाने के कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि हम मैं और निशु जो है दलिया ही खाएंगे, मीठी दलिया मैंने बनाई हुई है सुबह का, और हस्बैंड को दलिया ही टिफ़िन में दिया हुआ है, क्योंकि आज वो ऑफिस चले गए हैं, कल तो नहीं गए थे लेकिन आज चले गए हैं। कल तो हमारी बहुत कंडीशन ख़राब थी, कल तो मैं बिल्कुल भी होश में ही नहीं थी, और बस दवाइयाँ खा रही थी और सो जा रही थी, ऐसी बेहोशी छा रही थी ना, दवाइयों का जो नशा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो अभी जो है मेरा दाल पक रहा है, और यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ जब तक, और अब मैं पूरे घर में ये धूप दिखाऊंगी, भगवान की पूजा करूँगी,
क्योंकि जब आपके घर में नेगेटिविटी आपको ज़्यादा महसूस होना, तो मैं धुआं वगैरह करती रहती हूँ, कुछ दिन से नहीं कर पा रही थी, काम में इतना व्यस्त हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो चलो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ फ्रंट कैमरे में। गुड आफ्टरनून। तो इससे ज़्यादा मेरा जो ये मुँह है ना ओपन नहीं हो रहा, मेरी आँखें भी लाल है और पूरी तरीके से मेरे ओठ जो है ना सूख चुके हैं, बहुत बुरी कंडीशन में, पानी की कमी हो चुकी है, दवाइयाँ सब लोग कंटिन्यू खा रहा बट किसी को आराम नहीं मिल पा रहा है। और हस्बैंड को जो है बुखार कम है, बाकी मेरा और निशवान का बुखार कम नहीं है। अभी मैंने धूप जला दिया है ताकि घर में एक पॉजिटिव जो है एनर्जी रहे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम बाहर जाते हैं, हमारे साथ हमारे पैरों के जरिए या फिर किसी के साथ भी कोई भी नेगेटिविटी लग के घर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से मतलब दो दिन से मेरा पूरा का पूरा घर जो है ना नेगेटिविटी से भरा पड़ा था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत बुरी कंडीशन है। कल से ही मैं उठ के ना चाहते हुए भी सारे काम कर रही हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। कल मेरे बेटे को तवा रोटी खानी थी, मतलब घर की बनाई हुई रोटी खानी थी, मैं अपने बेटे को एक रोटी तक नहीं बना के दे पा रही थी कल। और मैं कैसी माँ हूँ मेरा दिल जानता है। मैं कल एकदम से रो दिया, बहुत मुश्किल से, अगर आप खाना जब भी बनाओगे जब आपके बर्तन धुलेंगे, और बर्तन धोने की कंडीशन में शायद कोई भी नहीं है घर में, हम ही दोनों हैं। और कल हम पूरा दिन जैसे तैसे पड़े बिता दिया, 4 बजे हमने खाना ऑर्डर किया और निशु को बाहर की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कल इत्तेफाक ऐसा था कि तवा रोटी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, तो बड़े मुश्किल से रुमाली रोटी मंगाई और वो उसको निगला नहीं जा रहा था, उससे उसको उल्टियाँ हो रही थी रोटी से। कल मैं इतना अपने आप को लाचार फील कर रही थी ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं अपने बेटे को एक रोटी भी नहीं बना के दे पा रही थी कल, और बुरी कंडीशन है। लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा घर गंदा रहे, मेरे घर में एक भी डस्ट कूड़ा या फिर गंदगी रहे, झाड़ू पोछा सब चीज़ मेरे घर में होना चाहिए। क्योंकि आप जब पढ़ जाते हो ना, जब आपका घर गंदा रहता है ना, तो निगेटिविटी जो होती है ना वो और भी आपके घर के अंदर हावी हो जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है बहुत सारे लोगों के। अगर आप ऐसी कंडीशन में भी, मैं नहाने की हिम्मत तक नहीं थी लेकिन मैं नहा रही हूँ, डेली नहा रही हूँ, डेली अपना काम कर रही हूँ, डेली अपना पूजा पाठ कर रही हूँ, घर में झाड़ू पोछा डेली लगा रही हूँ, डेली चद्दर भी चेंज कर रही हूँ, बहुत बुरी कंडीशन है गाइस। और अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि दाल बनाया है, रोटी बनाने की कंडीशन मेरी नहीं है अभी, क्योंकि मैं और निशु जो है दलिया खाने वाले हैं, और दलिया खा के मैं दवाई खा के रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो ही रोटी बनाएंगे। क्योंकि कल शाम से जो है मेरे घर में अगर कोई ठीक हुआ है तो मेरे हस्बैंड ही पहले बीमार थे, इसलिए पहले वही ठीक हुए हैं, और अभी उनके बॉडी में भी पेन है, लेकिन हाँ उनका बुखार वगैरह उतर गया है पूरी तरीके से, लेकिन मेरा और निशवान का बुखार जो है नहीं उतर रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, दवाई ले रहे तो उतर जा रहा है, सो के उठ रहे तो गर्मी पसीने से बुखार उतर जा रहा है, फिर जब उठ रहे हैं तो फिर वही थोड़ी देर बाद फिर से बुखार चढ़ जा रहा है। तो मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, घर पूरा साफ सफाई कर दिया, कपड़े हैं ना फोल्ड करके रखने हैं, इसको अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ मेरा किचन साफ रहना चाहिए, मेरे बर्तन धुले रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर मेरे घर में नहीं होगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। और अभी मैं तो ऐसे मेरे साथ सीन होता, अगर कुछ भी गंदा होता है ना, क्योंकि दूध घर में इतना गिरा हुआ था तो वो चिप 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 कर रहा था, और एक तो मौसम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ये मौसम बहुत गंदा मौसम होता है, मौसम अच्छा नहीं है। 1 मिनट में अपना दाल बंद करके आती हूँ। तो कल जो है हस्बैंड ने छुट्टी करी हुई थी, कल बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, कल अगर ऑफिस चले जाते तो शायद मैं संभाल नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती अपने आप को। तो हम दोनों मिलके जैसे तैसे संभाल रहे थे अपने आप को, अपने घर को, अपने सिचुएशन को जैसे तैसे संभाल रहे थे, और सुबह सिर्फ वो बेड की डस्टिंग उन्होंने करी है, और मुझे और निशु को बस चाय नाश्ता करा के जब ऑफिस वो चले गए हैं, मैंने ही उनको बोला है कि ऑफिस जाओ, गैप मत करो, तुम्हें आराम मिल गया तो तुम चले जाओ, और नहीं जा रहे थे, मैंने उनको बोला है कि तुम चले जाओ, मैं संभाल लूँगी। और बहुत हिम्मत करके, बहुत जद्दोजहद करके मैं बर्तन धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ
मुझे नहीं समझ में, मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, मेरे ओट सूख चुके हैं बुरी तरीके से, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो और मैं आपको बता दूँ, ये जो सीज़न है ना, सारे बीमार हैं, मेरे ससुराल में भी बहुत बीमार हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, सबकी यही कंडीशन है। मेरे सास को भी बहुत बुखार उखार आ रहा है, तो सबकी यही कंडीशन है। मेरे घर में तो हम मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ही बीमार हो तो दो को संभाल सकता है, लेकिन तीनों अगर एक साथ बीमार हो गए ना, तो बहुत मेरे घर का जो हालात है ना, कंडीशन है, सिचुएशन है ना, सब ख़राब हो जाता, सब चितिर बितिर हो जाता है। बस यही था। अब चलो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा दाल बन गया है, मेरे घर के काम हो गए, मैंने दलिया बना दिया, जैसे तैसे बर्तन धुल दिया है और चौका बेलन भी धो दिया है, आटे का बर्तन धो दिया है, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब हस्बैंड 3-4 बजे तक आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बोला उन्होंने वो जल्दी आ जाएंगे, तो वो जैसे ही आएंगे उसके बाद वो रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। मैंने जूस पिया है, निशु ने भी जूस पिया है गुआवा का, तो बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि हम जो है कुछ कर पाए। तो अभी ये छोटा सा अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियोस बना दिया है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को जान के अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि इस समय ये हालात सबके साथ हो रहे होंगे, सब बहुत ज़्यादा ये जो धूप और फिर बारिश, धूप और फिर अचानक से बारिश, ये बीमारी का घर है। इस समय तो डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल में ना रेल लगी पड़ी है, और मेरा और सही नहीं हो रहा, फट फट के ब्लड आ रहे हैं, मैंने वैसलीन लगा लिया, लिप बाम लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन 1 घंटे बाद मेरा ओट फिर से सूख के इसी कंडीशन में आ जा रहे हैं। तो चलो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी हालात सही रहे तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो आपको बस अपडेट देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में भी मैं ये सारी चीज़ें संभाल रही हूँ। कैसे संभाल रही हूँ मेरा दिल जानता है। कल मैं इतना, मतलब मेरे इतना रोई हूँ ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कल अपने बेटे को एक रोटी तक नहीं बना के दे पा रही थी। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, और कढ़ाई पनीर रुमाली रोटी ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि देखो पेट में अगर कुछ नहीं जाएगा तो हम दवाइयाँ नहीं खा पाएंगे, हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। इसी वजह से रोटी खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन देखना था, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था बाहर से मंगाने के अलावा। तो अभी रोटी वो नहीं खा रहा है, क्योंकि अदर रोटी वो नहीं खा पाता है, उसको घर का ही रोटी पसंद आता है ज़्यादातर। तो और कल कोई इस कंडीशन में नहीं था कि उसको रोटी बना के दे पाए। तो चलो अभी इसको जा रही हूँ मैं दलिया खिलाने, उसके बाद दवाइयाँ दूंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियोस में। बाय बाय।